आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताने जा रहे हैं कि बटर क्रीम और रॉयल आइसिंग में फ़र्क क्या है, क्या है दोनों में डिफरेंस। देखिए, बटर क्रीम और रॉयल आइसिंग दो तरह का आइसिंग्स है जो कि खास करके केक्स को डेकोरेट करने में इस्तेमाल होता है। अभी इसमें जो की डिफरेंस है जो बटर क्रीम और रॉयल आइसिंग में है वो उनके टेक्सचर और कंसिस्टेंसी में है। बटर क्रीम बहुत स्मूथ और सॉफ्ट होता है जबकि रॉयल आइसिंग फर्म और हार्ड होता है। और जो ये डिफरेंस है कंसिस्टेंसी में वो उनके फंक्शंस को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि बटर क्रीम आइसिंग क्या होती है। बटर क्रीम जो होता है वो खास करके जो पाउडर्ड शुगर्स होते हैं जिसे आइसिंग शुगर कहते हैं, बटर और मिल्क से बनाया जाता है, मिल्क या उसके क्रीम से बनाया जाता है। जो कलरिंग्स होते हैं, जो फ्लेवरिंग्स होते हैं जैसे कि चॉकलेट का, ये उसमें ऐड किया जाता है उस फ्रोस्टिंग के अंदर। तो ये जो है पूरा आइसिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो केक के अंदर डालते हैं, उसको कोटिंग करने के लिए डालते हैं, उसको डेकोरेट करने के लिए डालते हैं। तो बटर क्रीम इज अ कॉमनली यूज टॉपिंग फॉर कपकेक्स, कुकीज, स्पॉन्ज केक्स एंड अदर स्वीट्स। बटर क्रीम स्वीट, क्रीमी और बटरी टेस्ट होता है उसके अंदर और काफी स्मूथ और सॉफ्ट टेक्सचर्स होते हैं और उनकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो बिल्कुल आइडियल होती है केक को कवर करने के लिए। कभी कभी जो मेन ग्लू होता है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है कि जो केक की जो लेयरिंग होती है उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। बटर क्रीम ऑलवेज हैज अ शॉर्ट शेल्फ लाइफ सिंस इट इज मेड फ्रॉम डेयरी, और एक बार अगर केक पे अप्लाई कर दिया तो रूम टेम्परेचर के अंदर सिर्फ 2 से 3 दिन रह सकता है। जबकि बटर क्रीम जो यूज़ नहीं हुआ है उसको आप 2 हफ्ते तक रख सकते हैं, वो भी आपको रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ेगा एयर टाइट कंटेनर में। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि रॉयल आइसिंग क्या होता है। रॉयल आइसिंग एक तरह से हार्ड आइसिंग होता है जिसको कन्फेक्शनर्स शुगर मतलब जो शक्कर होता है वो और सॉफ्टली बीटन एग वाइट्स से बनाया जाता है। अदर इंग्रेडिएंट्स सच एज लेमन, लाइम एंड क्रीम ऑफ टार्टर कैन ऑल्सो बी एडेड। ये जो आइसिंग होता है वो ज़्यादातर कलर में वाइट होता है, जो शुरुआत के टाइम पे तो सॉफ्ट होता है पर उसके बाद ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ओवर टाइम हार्ड होता है। तो कुछ जो केक बनाने वाले होते हैं, जो डेकोरेटर्स होते हैं, वो उसके अंदर ग्लिसरीन को ऐड करते हैं। वो ऐड इसलिए करते हैं टू प्रिवेंट रॉयल आइसिंग फ्रॉम गेटिंग टू हार्ड, ज़्यादा हार्ड नहीं हो जाए इसलिए उसमें ग्लिसरीन ऐड कर देते हैं। रॉयल आइसिंग वेडिंग केक्स को डेकोरेट करने में इस्तेमाल होता है, क्रिसमस केक को डेकोरेट करने में इस्तेमाल होता है। अभी चूंकि इस आइसिंग को हम कह सकते हैं काफ़ी फर्म रहता है, सूखा हुआ टेक्सचर्स होता है, तो जो डेकोरेशंस है वो वक्त से पहले बना सकते हैं। इट कैन बी ऑल्सो यूज टू मेक इंट्रिकेट डिजाइंस एंड पाइपिंग। तो खास करके रॉयल आइसिंग का इस्तेमाल एलिमेंट्स को डेकोरेट करने के लिए होता है, उसको टेस्टी बनाने के लिए नहीं होता है। और उसके जो डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं वो उसके अंदर उसको फ्लेवरेबल बनाते हैं। इन एडिशन इट कैनॉट बी यूज टू कवर अ लार्ज सर्फेस सिंस इट टेंड्स टू अ क्रैक, ज़्यादा किया तो उसको क्रैक आ जाएगा। इट शुड बी जेंटली एंड केयरफुली कोटेड ऑन अ केक। रॉयल आइसिंग डेट इज यूज टू कवर अ केक इज यूजली थिंड विथ वाटर। अभी डिफरेंस क्या है बटर क्रीम और रॉयल आइसिंग में? बटर क्रीम के अंदर हम आइसिंग शुगर मिलाते हैं,
बटर शॉर्टनिंग मिलाते हैं और फिर मिल्क और या फिर क्रीम मिलाते हैं। रॉयल आइसिंग जो बनता है वो बनता है कन्फेक्शनर्स शुगर से और सॉफ्टली बीटन एग वाइट से। बटर क्रीम का जो टेस्ट होता है वो बटरी होता है और क्रीमी टेस्ट होता है, जबकि रॉयल आइसिंग का जो टेस्ट होता है वो बहुत स्वीट होता है, क्योंकि उसके अंदर आइसिंग शुगर का एक लार्ज अमाउंट होता है। बटर क्रीम का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो हम इस्तेमाल करते हैं फिलिंग के लिए, कोटिंग के लिए और आइसिंग के लिए, और उससे हम डेकोरेट करते हैं। रॉयल आइसिंग का जो इस्तेमाल है, तो रॉयल आइसिंग इज आइडियल फॉर पाइपिंग इंट्रिकेट डिजाइंस, मेकिंग फ्लावर्स एंड क्रिएटिंग लेटर्स एटसेट्रा। कंसिस्टेंसी की बात करें तो बटर क्रीम हैज अ सॉफ्ट एंड स्मूथ कंसिस्टेंसी, व्हाइल रॉयल आइसिंग हैज अ फर्म एंड हार्ड टेक्सचर। सेम चीज शेल्फ लाइफ के लिए भी होता है। बटर क्रीम की जो लाइफ होती है वो शॉर्ट शेल्फ लाइफ होती है, और जो रॉयल आइसिंग है उसको आप लंबे समय तक रख सकते हो। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दे दीजिए। धन्यवाद।